जहाँ कोई सभा नहीं है, दिन भर हम लोग पैदल चलते हैं तो एक जगह बीच में रुकते हैं चाय पीने के लिए। आज आपके गांव में ही चाय पीने रुके हुए हैं। हमारे साथियों ने आपको निमंत्रण भी दिया होगा, अगर आप चाहें तो आप आकर अपनी बात रख सकते हैं। हमको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, आपका 10 मिनट का समय लेंगे। आपके गांव में बड़ा दुर्गति है, वहां चल के आ रहे हैं। अगर आपकी समस्या का बात होने लगे तो पूरा दिन निकल जाए, लेकिन सब समस्या के जड़ में एक समस्या है, वो है गरीबी। अगर गरीबी खत्म हो जाए तो सड़क जब बनेगा तब बनेगा, सरकार जब सुधरेगा तब सुधरेगा। जिस अगर गरीबी खत्म हो जाए तो कोई ना कोई रास्ता आपका निकल जाए। तो हम अभी 15 मिनट में आपको वही गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। वोट वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है, वोट नहीं मांगते। आपको ये बता रहे हैं जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे ही चलाइए। देखिए दुनिया में जितना लोग विद्वान है, जितना विद्वान है वो बताया कि तीन दो रास्ता है गरीबी से निकलने का, तीन ही रास्ता है। पहला रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है खेती, और तीसरा रास्ता है बिजनेस व्यापार। आपके गांव में भी जो नौकरी कर रहा है तो इसी बिहार में उसका जीवन कुछ बेहतर है। जो 5-10-20 बीघा का जमीन खेती कर रहा है उसका भी जीवन चल रहा है, और जो दुकान व्यापार बड़ा किया हुआ है उसका भी जीवन चल रहा है। रोड सबके लिए खराब है, लेकिन जो गरीब है उसको ज्यादा भोगना है। डॉक्टर आपके लिए नहीं है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए ज्यादा दिक्कत है, जिसके पास पैसा है वो पटना दिल्ली जाके भी इलाज करा लेगा। तो गरीबी से निकलने का तीन गो रास्ता है, नौकरी आपके पास हो तो गरीबी खत्म, बढ़िया खेती हो तो भी गरीबी खत्म, और दोनों नहीं है बिजनेस व्यापार हो तो भी गरीबी खत्म। नौकरी अगर चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, पढ़िएगा तभी तो नौकरी मिलेगा। खेती अगर चाहिए तो उस खेती करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, जमीन होगा तो खेती कीजिएगा, और अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। इतना बात समझ लीजिए, पढ़ाई होगा बढ़िया तो नौकरी मिलेगा, बढ़िया जमीन होगा तो खेती होगा, और पैसा पूंजी होगा तो बिजनेस व्यापार होगा। चौथा कोई रास्ता नहीं है गरीबी से निकलने का। आप लोग जितना देर बैठते हैं दिन भर यही कह रहा है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया नाक नहीं है। अरे नाली बन जाए कि यहाँ पुल बन जाए, उससे आपका गरीबी थोड़े ना खत्म हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए, बाल बच्चा आपका पढ़ के नौकरी पा जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको जमीन मिल जाए और आप खेती कीजिए, उससे आपको आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब जितना महिला जितना युवा यहाँ बैठे हैं सबको सरकार कर्जा दे, पैसा दे कि घरे घरे आदमी रोजी रोजगार कर सके, तो अपना गरीबी खत्म होगा। तो यही रास्ता अभी आपको बताएंगे कि क्या करने से तीनों चीज मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपना जीवन अपने आप सुधार लीजिएगा। किसी को जिसको वोट देना है दीजिए, जिसको जिसको रास्ता समझना है आपसे तीन को सवाल करेंगे, तुरंत तुरंत उसका जवाब दीजिए, हाथ उठा के हाँ या ना बोलिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों चीज कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, सबको बताना, आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजाना, हम नेता नहीं है, भाषण में ताली नहीं बजाना है। तीन को सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिए, आपको रास्ता दिखेगा कि गरीबी से कैसे निकलिएगा। सब आदमी सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ जितना आदमी है सब पीछे जो खड़ा है उसको विनोद बोलना है, भैया सोच के बोलो, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए।
के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज सब आदमी होशियार है भाई, जो पढ़ा लिखा है वो भी बोला होना चाहिए, जो अनपढ़ है वो भी बोला। अगर पिछड़ा हिंदू मुसलमान महिला पुरुष गरीब अमीर सब ने कहा पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतना समझदारी आप सबको है, किसी नेता का जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, उसको नौकरी मिल जाए, तो कोई मुखिया बने कोई विधायक बने आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। समझदार आदमी काहे भोग रहे हैं जमीन गरीबी में, हम अभी बताते हैं काहे भोग रहे। अभी आपको दिखाएंगे आंख के सामने कि सब समझदारी के बावजूद आप क्यों इस गरीबी में जी रहे। सब आदमी अपने अपने जरा बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, देखिए कितना बक 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 बोले जा रहे हैं, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, दंगा कर दीजिएगा इसे। लेकिन जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं वोट दिए, तो नेता को क्या कर यार? आपको किसने रोका था अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट देने से? कुछ आदमी कहेगा ए भैया पढ़ लिख के क्या होगा, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा, हम लोग से तो कोई पढ़ाई के लिए वोटे मांगने नहीं आए, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई का बात। यहाँ जितना आदमी बैठा है इतना तो आपको मालूम है कि अगर एक फैक्ट्री खुल जाए आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिए, अरे रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, दोनों छोड़ दिए। जितना लोग है खेती तो सब कर रहा है, छोटा चाहे बड़ा। अभी 2 महीना पहले कोई मकई बेचा है कोई धान बेचा है, धान का दाम है 250 रुपया, मकई का दाम है 250, आप बेचे हैं 1600 में 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का मकई का 2100 रुपया मिलता आपका आमदनी बढ़ता, लेकिन आप तो कभी धान के हो मकई के दाम के लिए वोटे नहीं दिए, तो आपको ये मिलेगा कैसे? अरे आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं देते, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं दीजिएगा, तब मिलेगा कैसे? तुरंत कोई खड़ा होके बिहार में आदमी कहेगा ए भैया क्या करें, हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, इस क्या गारंटी है कि नौकरी रोजगार के लिए वोट देंगे तो ही मिलेगा, किसको हम लोग वोट दे? बिहार में आदमी जो है उसको कुछ नहीं बुझाता है, लेकिन उसको राजनीति खूब बतियाना है। 5 बरिस बैठ के खाली यही बतियाता, राजनीति बतियाता है, खाने को ठिकाना नहीं, पैसा नहीं है, रोजगार पढ़ाई नहीं है, लेकिन राजनीति खूब बतियाता है। किसको वोट दे हम लोग, तो हम आपको बता रहे हैं किसको वोट दे। अभी 2 मिनट में आपको दिखेगा कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आई तीनों चीज पढ़ाई रोजगार और खेती से आमदनी का उपाय आप कर लीजिए, गारंटी हमसे लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि कैसे होगा, जरा सोच के बताइए। सब आदमी को बोलना है हाथ उठाकर जोर से हां या ना। आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलिए, कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए, कल पलट जाइएगा तुरंत। जोर से बोलिए, नेता लोग आपने काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। कितना जोर से सब बोल रहा है। आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। 2 मिनट में आपको दिखेगा आपकी दुर्दशा का कारण और आपके बच्चों को रोजगार का रास्ता। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को, 5 किलो अनाज के लालच में। तो भैया बिहार में बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है,
एक किलो से अनाज आपका चोरी हो रहा है, लेकिन चार किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, चार किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारा हिंदू लोग बोला ए भैया खाए चाहे न खाए, रोजगार मिले चाहे न मिले, अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए, राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल सड़क सब टूटा हुआ है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलो भैया, बना है कि नहीं बना है? आप लोगों में कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आया चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आप में हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जाति के नेता को लोग खोज के देता है, अपना जात का कौन खड़ा है उसी को वोट देंगे। आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, लोग कहता है कि सांसद विधायक को कहां दिए हैं, मोदी जी को देख के दिए हैं। तो सांसद विधायक तो 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, गांव में आपके नहीं आया, लेकिन मोदी जी आपके पैसे से रोज अपना चमकता हुआ चेहरा लेकर टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में, सुबह शाम घर घर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अरे मोदी जी का चेहरा रोज देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और से बोलिए, करोड़ों रुपया मोदी जी खर्चा कर रहे हैं, अरे मोदी जी का चेहरा सुबह शाम देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कर लिए, तो भैया गुजरात में तो विकास मोदी जी कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, और पूरा बिहार से सहरसा कोसी से जाकर बच्चे बिहार में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं तो आप लोग को नहीं मिला? अरे इतना जोर से बोले भैया, कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ भैया हमको जात मिला, हमको 4 किलो अनाज मिल रहा है। बोइएगा बाबू, यहां गर्दन मत पर फाड़िए अपना, बोइएगा बाबू।